और यहाँ पर गौतम बुद्ध बैठकर मेडिटेशन करते थे। दिस प्लेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हिस्टोरिकल प्लेस है ये, क्योंकि यहीं से बुद्धिज्म स्टार्ट हुआ। अशोक स्तंभ जो हमने म्यूजियम में देखा था वो एक्चुअली यहाँ पर था। अभी सरनाथ जाने का प्लान है और बारिश ने हाल थोड़ा खराब किया है। बारिश ने लगभग हमारा प्लान ही बिगाड़ दिया था, लेकिन हम भी बहुत जिद्दी थे। सरनाथ जाना है तो जाना ही है। सरनाथ बनारस से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर है। यह वो स्थान है जहां गौतम बुद्ध ने पहली बार धर्म की शिक्षा दी थी, और सरनाथ को अशोक स्तंभ के लिए भी जाना जाता है। हमने एक ऑटो किराए पर लिया और हम निकल पड़े सरनाथ के लिए। सारनाथ चार सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थस्थलों में से एक है। अकॉर्डिंग टू महापरिनिब्बान सूत्ता, भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को चार स्थानों की यात्रा करने के लिए कहा था, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर। ये स्थान उनके जन्म, ज्ञानोदय, प्रथम उपदेश और निर्वाण से जुड़े थे। पहुंच गए सारनाथ पर। बारिश रुका नहीं है यार, यहाँ पर भी बारिश हो रहा। बारिश अगर नहीं होता तो मजा आता, पूरा कपड़े भीग गए, शूज मेरा भीगा हुआ है और ठंड भी लग रहा है बुजुर्ग। सबसे पहले बुद्धिस्ट टेम्पल जाएंगे। ये भाई गाइड है, बाल का कुछ 400 रुपये बोल रहे हैं, पर पता नहीं हम लेंगे नहीं लेंगे। नहीं भैया, गाइड नहीं चाहिए अभी। खाने पीने का सामान अंदर लाना मना है। ये जो बुद्धिस्ट टेम्पल है ये थाई स्टाइल में बनाया गया है। सामने टेम्पल है और इस तरफ गौतम बुद्ध का बड़ा स्टैचू। इज द मदर ऑफ गौतम बुद्ध, देवी महामाया, उन्हीं के नाम पर ये पॉन्ड बनाया गया है। जायंट गौतम बुद्ध स्टैचू का जो हाइट है ये 89 inches बनाया गया है। अभी जाएंगे बुद्धिस्ट टेम्पल व्हिच इज डिजाइंड इन थाई स्टाइल। यहाँ पर आपको गाइड मिल जाएगा 100 rupees में। गाइड लेकर आप डिटेल में आप समझ सकते हो इस जगह के बारे में। ये प्लेस खास इसलिए है क्योंकि इसी जगह में गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था आफ्टर गेटिंग एनलाइटमेंट फ्रॉम बोधगया। थाई बौद्ध मंदिर घूमने के बाद हम सरनाथ आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम देखने निकल पड़े, जो मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सबसे पुराना स्थल संग्रहालय है। संग्रहालय में बौद्ध धर्म से जुड़ी बहुत सारी पुरानी चीजें रखी हुई है। हमने संग्रहालय में कई घंटे बिताए और बौद्ध धर्म के इतिहास और संस्कृति के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। म्यूजियम में प्रवेश करने के लिए आपको ऑनलाइन टिकट लेना होगा। टिकट का मूल्य 5 rupees प्रति व्यक्ति है। सरनाथ में खुदाई से बहुत सारे पुराने और मूल्यवान सामान मिले। इन सामानों को सुरक्षित रखने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1904 में सरनाथ में एक संग्रहालय बनाने
बनाने का फैसला किया और संग्रहालय का निर्माण 1910 में पूरा हुआ। देयर आर 5 गैलरीज एंड 2 वरांडास इन द म्यूजियम। म्यूजियम में रखे हुए एंटिक्स बहुत पुराने हैं। ये सारे 3rd century BC से 12th century AD के हैं। इस गैलरी के बीच में एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक अशोक स्तंभ है। इसे द कैपिटल लायन भी कहा जाता है, जो भारत का राष्ट्र प्रतीक है, द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। अशोक स्तंभ 4 सिंहों से बना है जो एक ही दिशा में मुंह करके खड़े हैं। सिंह शक्ति और साहस का प्रतीक है। हमारे राष्ट्र ध्वज नेशनल फ्लैग पर आपको एक चक्र देखने को मिलेगा। ये चक्र सम्राट अशोक के अशोक स्तंभ से लिया गया है और ये भारत के इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। इस संग्रहालय में भगवान बुद्ध और माँ तारा की विभिन्न मुद्राओं से बनी छवियों के अलावा रेड सैंडस्टोन पर उत्कीर्ण विशाल खड़ी बोधिसत्व की छवियां, ऑक्टागनल शाफ्ट और छतरी भी यहां देखने को मिलती है। यह शाफ्ट और छतरी भगवान बुद्ध के ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक है। यह सभी भिक्षु बाला द्वारा समर्पित है। भिक्षु बाला एक महान बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। सरनाथ संग्रहालय में हिंदू धर्म के कई देवी देवताओं की मूर्ति रखे गए हैं। इनमें त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश, सूर्य, सरस्वती, महिषासुर वंदनी, गणेश, कार्तिकेय, माँ पार्वती, नवग्रह, भैरव और शिव द्वारा दानव अंधकासुर का वध करने वाली एक विशाल मूर्ति शामिल है। म्यूजियम घूमने के बाद हमें पता चला कि वहाँ रखी मूर्तियाँ और चीजें पास की जगह से खुदाई करके निकाली गई है, तो हम उसे देखने चले गए। आर्कियोलॉजिकल बुद्धिस्ट रिमेन्स ऑफ सरनाथ। वहाँ पहुँचने पर गेट पर ही ऑनलाइन टिकट करनी पड़ती है, हर व्यक्ति के लिए 20 रूपए। ये 2000 साल से भी ज्यादा पुराना जगह है और इसे बहुत अच्छी तरीके से संभाला हुआ है। भारतीय पुरातत्व विभाग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सरनाथ को बहुत अच्छे से संभाला है। द रुइंस आर वेल मेंटेन एंड क्लीन एंड द इन्फॉर्मेशन बोर्ड्स प्रोवाइड विजिटर्स विद अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द साइट्स हिस्ट्री। सरनाथ इज वन अमंग्स द 4 होली प्लेसेस एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ लॉर्ड बुद्धा। बाकी आप पढ़ सकते हैं। दिस इज इन हिंदी, दिस इज इन वन ऑफ द साउथ इंडियन लैंग्वेज। नरेंद्र मोदी। यहाँ पे आने के लिए जो टिकट का प्राइस है वो 80 रुपीज पड़ा हमको, पर हेड 20 रुपीज है। QR कोड जो बाहर इंस्टॉल किया गया है आपको स्कैन करना है, एंड आई गॉट द टिकट। कैमरा अलाउ नहीं है बट फोन अलाउ है। इससे पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ सरनाथ जहाँ पर हम गए थे उस म्यूजियम में फोन अलाउ नहीं था बट कैमरा अलाउ था, और कैमरा से आप वीडियो शूट नहीं कर सकते, ओनली फोटो आप ले सकते हो। उस म्यूजियम में जितना भी स्टैचूज मिला हुआ है वो सारे यहीं से ही खोद कर निकाला गया था। दिस प्लेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेस है ये, क्योंकि यहीं से बुद्धिज्म स्टार्ट हुआ। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ गौतम बुद्ध। और वो आप स्तूपा देख रहे हैं, वहां पर जाएंगे और उसके बारे में बात करेंगे। दिस इज वे टू अशोक पिलर, और यहाँ पर वे टू धर्म चक्र जिन विहार। अशोक चक्र की तरफ जलते हैं। ये अंदर अलाउ नहीं है, ये पूरा फेंच दिया गया है। यहीं से ही सारा जितना भी मूर्ति निकला है जो म्यूजियम में रखा गया है वो यहीं से ही निकाला गया है। अशोकन पिलर, अशोक स्तंभ जो हमने म्यूजियम में देखा था वो एक्चुअली यहाँ पर था। यहाँ से निकाल कर वो म्यूजियम में रखा गया है अभी। दिस इज़ वेयर अशोक पिलर वॉज इंस्टॉल्ड बाई द किंग अशोका। मौर्यन एम्पायर का वो राजा था। में लिखा गया, दिस आर द फ्रेगमेंट ऑफ 15.25 मीटर हाई मोनोलिथ पिलर क्रिएटेड बाय द मौर्यन एम्पायर अशोका। जो रियल अशोक पिलर है वो यहाँ पर था, यहाँ पर मौर्यन पीरियड के टाइम में जो इंस्क्रिप्शन था वो इस तरह का लिखाई हुआ करता था। दिस इज समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। अशोक चक्र, अशोक पिलर जो हम आज तक देखते आए हैं वो सरनाथ में था। मुझे पता नहीं था इसके बारे में, जो कि मैं आ गया हूँ तो मुझे अभी पता चल गया है। यहाँ पर लिखा गया है, डू नॉट सिट और वॉक ओवर द एक्सकैवेटेड रिमेन्स। ये जो भी खुदाई करके निकाला गया है इन सभी चीज़ों को, उसके ऊपर वॉक करना बैठना अलाउ नहीं है। ऑल दिस रिमेन्स आर एक्सकैवेटेड। इसमें बताया गया है, ऑल दिस रिमेन्स वेर एक्सकैवेटेड इन द ईयर 1904 एंड 5। सारनाथ भारत का एक पवित्र शहर है। यहाँ पर गौतम बुद्ध ने 35 साल की उम्र में बोधगया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। इस उपदेश से बौद्ध धर्म का जन्म हुआ। सारनाथ के साथ साथ भारत में 3 और मुख्य बौद्ध महाविहार थे। ये थे विक्रमशिला, उदंतपुरी और नालंदा। ये सभी 4 ज्ञान केंद्र 12वीं शताब्दी तक फलते फूलते रहे, लेकिन 12वीं शताब्दी के अंत में इस्लामिक आक्रमणों ने इन सभी स्थानों को नष्ट कर दिया। 1194 ईस्वी में मोहम्मद अफगौर द खुरिद रूलर एंड कुतुबुद्दीन ऐबक वाराणसी और सारनाथ पर आक्रमण किया। आक्रमण के दौरान लगभग हर मूल्यवान चीजें लूट ली गई या नष्ट कर दी गई। कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक लगभग 1400 ऊंटों पर लदकर खजाना ले गया और लगभग 10,000 मंदिरों को नष्ट कर दिया गया।
दिस वेयर ओरिजिनली बिल्ट इन एंड अराउंड थर्ड सेंचुरी में इसको बनाया गया था। सो सकते हो आप थर्ड सेंचुरी में। मुलागंधा कुटी, दिस इज द रिमाइंड ऑफ अ ह्यूज टेम्पल व्हिच प्रोबेबली रिप्रेजेंट्स द स्पॉट वेयर लॉर्ड बुद्धा यूज्ड टू सिट इन मेडिटेशन। अकॉर्डिंग टू ह्यूम सैंग इट्स हाइट वॉज 61 meters। दिस इज मुलागंधा कुटी। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं वो है मुलागंधा कुटी, एक टेम्पल था जो अभी उसका सिर्फ रिमेन ही बचा हुआ है और यहाँ पर गौतम बुद्ध बैठ कर मेडिटेशन करते थे। ये मेरे पीछे आप जो जगह देख रहे हो दिस इज वेरी वेरी स्पेशल बिकॉज दिस इज वेयर गौतम बुद्ध स्टार्टेड टीचिंग अबाउट बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के बारे में गौतम बुद्ध ने यहीं से शुरुआत किया था। गौतम बुद्ध ने ये पूरी जो दुनिया है 30वीं सदी में बनाई थी। और सामने ये जो बड़ा सा स्तूपा दिख रहा है, जब बुद्धिज्म का शुरुआत हुआ था इस स्तूपा का स्थापना किया गया था। पूरे एशिया से बौद्ध तीर्थयात्री और भिक्षुक ध्यान लगाने और अध्ययन करने के लिए सारनाथ आते हैं। चीन, जापान, कोरिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, तिब्बत आदि जैसे कई देशों में जब बौद्ध धर्म एक प्रमुख धर्म है, उन्होंने अपनी अपनी संस्कृतियों के लिए सारनाथ में अपनी शैली में मंदिर और मोनेस्ट्री स्थापित किए हैं ताकि टूरिस्ट कई अलग अलग संस्कृतियों के नजरिए से बौद्ध धर्म की जानकारी प्राप्त कर सके। अभी तक हमने व्हाइट स्तूपा ही देखा था, दिस इज इन रेड स्तूपा। दिस स्तूपा इज कॉल्ड धार्मिक स्तूपा, स्टैंडिंग एट अ हाइट ऑफ 43 meters टॉल। इट इज सेप्ट इन अ सर्कुलर फॉर्म। दिस स्तूपा वॉज बिल्ट इन एन अराउंड 500 CE। ऑल दिस स्ट्रक्चर्स वेर एक्सकेवेटेड फ्रॉम द ग्राउंड। पहले ही ऐसा था और निकालने के बाद दिस ऑल लुक्स लाइक दिस। पहले ही ऐसा था बिफोर एक्सकावेशन एंड आफ्टर एक्सकावेशन उस तरफ है ये सारे। ये नमस्ते कर धर्म राज्य का स्तूपा ये बनाया गया था अशोका द्वारा टू एनश्राइन द रिलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा। ये था धर्मराज का स्तूपा। यहाँ पर पहले स्तूपा हुआ करता था, सेम लाइक दिस स्तूपा यहाँ भी हुआ करता था। बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ रीजन दिस स्तूपा माइट हैव डिस्ट्रॉयड। अभी सिर्फ कुछ अवशेष ही यहाँ पर बचे हैं। बुद्ध के रेलिक से 8 स्तूपा बनाया गया था। किंग अशोका ने 8 स्तूपों में से 7 स्तूपा को खोल कर उनमें से राख निकाला और उन राखों से 1000 से भी ज्यादा स्तूपा बनाए और उन स्तूपों में से एक था धर्मराज का स्तूपा। The first sermon of Sakyamuni Buddha is delivered at the Isipatana. This is the place where Gautam Buddha delivered the first sermon to his 5 disciples. बोध गया के पेड़ से कटिंग से लगाया गया बोधि वृक्ष यहाँ पर उगाया है। यह बोधि वृक्ष बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। बनारस काशी आना सफल हुआ। एक तो काशी विश्वनाथ मंदिर घूम लिए और दूसरा ये बोधि ट्री व्हिच इज वेरी इम्पोर्टेंट। गौतम बुद्ध गेव हिज फर्स्ट प्रीच अलॉन्ग विथ हिज 5 disciples. ये जो सामने है ये है तिब्बतन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। अब इसके अंदर जाएंगे।
से काशी वापस आ चुके हैं, थके हुए हैं, सबके सब थके हुए हैं। और इस थके हुए हालत में भी जितनी एनर्जी बची है, फिर से हम जा रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन के लिए। बोलो हर हर महादेव, हर महादेव।